ये ऑर्किड होते हैं बेल टाइप से जो बनते हैं, जो कहीं पे भी एक स्टार्ट हो जाता है, एक स्टेम से निकलते हैं, उसमें से फिर अपने आप बेल का टाइप का जैसे लेते हैं, ये वाला जो ऑर्किड इन्होंने ऊपर बताया है। तो ये आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे, एक बार स्टार्ट हो जाए तो फिर चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। तो ये कह रहा है कि ये जो ऑर्किड होते हैं, इस टाइप के प्लांट्स को सॉयल की नीड नहीं होती है ग्रो करने के लिए, बल्कि ये अपना जो न्यूट्रिएंट्स है वो किससे लेते हैं, एयर से लेते हैं। अब सबको पता है ग्रो करने के लिए अपनी बॉडी में, अपनी हेल्थ को और उस सबको करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। बट ये जो अगर देखा जाए तो प्लांट्स का भी तो फूड है सॉइल और वाटर। तो ये कह रहा है इसको सॉइल की नीड नहीं है, ये जितना भी अपना न्यूट्रिएंट्स है सब एयर से लेते हैं, हवा से लेते हैं और ग्रो करते हैं। ओके, ये नो मोर कम होता है ज़्यादा, इसमें से आगे सीखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना एनिमल पीडिया। एनिमल पीडिया का मतलब क्या होता है? एनिमल पीडिया मतलब लर्निंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में जानना, ठीक है। तो अब ये क्या बता रहे हैं कि एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, ऑन दिस अर्थ, इस अर्थ पे एनिमल्स आपको सब जगह मिलेंगे। और वो क्या है, डिफरेंट शेप होगी उनकी, साइज होगा और कलर होगा। उनकी साइज भी अलग होता है, शेप अलग होती है और कलर अलग होता है। ये कह रहा है इट इज़ रफली एस्टिमेटेड दैट देयर आर 6.5 मिलियन एनिमल स्पीसीज ऑन लैंड एंड 2.2 मिलियन स्पीसीज ऑन द ओशन। अब ये कह रहे हैं कि एक रफली सा एक एस्टिमेट लगाया गया है जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि 6.5 मिलियन जो एनिमल है वो किस पे रहते हैं, लैंड पे, और 2.2 किस में रहते हैं, ओशन में, ठीक है। अब आगे ये क्या बताता है, लेट्स एक्सप्लोर द वाइल्ड वर्ल्ड एंड रीड टू नो अबाउट सम वाइल्ड एनिमल्स। अब ये कह रहे हैं कि अपने जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स के बारे में हमारी जो नॉलेज है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ही इन्होंने दिए गए उसको हम पढ़ते हैं। अब ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको किस में देख रहे हैं, बैक्टीरियन कैमल्स। बैक्टीरियन कैमल क्या होता है? अब ये क्या बता रहा है कि ये एनिमल के टू हम्प्स होते हैं। हम्प होता है जो ये इसका ऊपर वाला पार्ट है, ये इस टाइप से जो इसके उस पर है ना, बैक पे ये जो उठा हुआ पार्ट है, ये हम्प होते हैं। ये कह रहे हैं इसके टू हम्प होते हैं। और ये क्या करता है, दे आर डोमेस्टिकेटेड बिकॉज दे कैन अडेप्ट टू सर्वाइव इन हार्श डेजर्ट। देयर हम्प इज़ फॉर्मेड विद फैट्स एंड मसल्स विच हेल्प देम टू स्टे विदाउट वाटर, विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज। अब ये क्या कह रहा है कि जो हम्प है इसके, ये किससे बने होते हैं, फैट से और मसल से। और ये क्या कर सकता है, ये बता रहे हैं कि ये एक ऐसा एनिमल है जो हार्श डेजर्ट में, जहाँ पे लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, लाइफ के लिए मतलब ऐसे फेवरेबल कंडीशंस नहीं है कि वहाँ पर लाइफ ग्रो कर सकें, तो वहाँ पर भी ये बहुत ईजिली अपने आप को उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं, उस इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लेते हैं और ये वहाँ पर रहता है। तो ये क्या कहता है, हार्श डेजर्ट में। और इन्होंने बताया कि इसके जो हम्प है वो फैट से और मसल से बने होते हैं, और वो हेल्प क्या करते हैं उसकी, कि वो कई दिनों तक बिना खाने के और पानी के जिंदा रह सकता है। ये इसकी करेक्टरिस्टिक बताइए। अब आ जाते हैं सेकंड नंबर पे, हमारा स्पाइडर क्रैब्स। स्पाइडर क्रैब क्या होता है भाई? स्पाइडर क्रैब बताते हैं कि स्पाइडर क्रैब आर फाउंड इन पैसिफिक ओशन बॉटम इन जापान। जापान का जो निचला पार्ट है, पैसिफिक ओशन जहाँ पे है, ये उसमें पाए जाते हैं। और ये विश्वास है लोगों का, इट इज़ बिलीव्ड दैट दे लिव अप टू अबाउट 100 ईयर्स, कि 100 साल तक जिंदा रहते हैं। इट मीन्स इसकी एज कितनी, 100 ईयर्स तक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट आर्थोपॉड्स। और आर्थोपॉड्स क्या होते हैं, आर्थोपॉड्स होते हैं जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, टांगे होती है। जैसे अभी ये देखो इसकी कितनी सारी छोटी छोटी टांगे हैं। तो इस टाइप के जितने भी स्पीसीज हो, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, उन सब को हम क्या बोलते हैं, आर्थोपॉड्स। तो ये सबसे लंबा होता है, सबसे बड़ा होता है, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं आपका, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मार्खो। मार्खो क्या है, ये बिलोंग्स टू गॉट फैमिली, गॉट फैमिली से बिलोंग करता है। और इट इज़ फाउंड हाई अप इन द वुडलैंड्स ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज का जो ऊपरी भाग है जहाँ पे जंगल है काफ़ी, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। और दे आर हर्बीवर्स। हर्बीवर्स होते हैं जो हर्ब्स खाते हैं, हर्ब्स मतलब फूल पत्तियाँ, पेड़ पौधे, घास फूस, उसको बोलते हैं। तो ये वही खाता है, इसलिए ये क्या है, शाकाहारी पेड़ पौधे खाने वाला है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि दे किल स्नैक्स बट डोंट ईट देम। ये क्या करता है, स्नैक्स को मारता है बट उसको खाता नहीं है। अब आता है पॉलर बियर। अब पॉलर बियर क्या है, ये पॉलर बियर का आई थिंक आप सबको पता है पॉलर बियर, यस। अब देख लेते हैं एक बार, पॉलर बियर आर फाउंड इन द आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं पॉलर बियर। दे अडेप्ट टू द कोल्ड रीजन एज दे हैव अ थिक फर कोट एंड फैट्स अंडर द स्किन विच कीप्स देम वॉर्म। अब ये क्या कह रहा है कि ये अडेप्ट करता है किसको, कोल्ड रीजन को, जो ठंडा मौसम होता है ना उसमें ये आसानी से अपने आप को ये सर्वाइव कर जाता है। रीजन क्या है कि इसकी जो बॉडी के ऊपर है ना, जो इसकी स्किन के नीचे है, वो बहुत मोटी सी एक फर होता है, जैसे आप लोग देखते हो ना किसी उसमें उसके बने होते हैं फर वाले कोट आप लोग पहनते हो सर्दियों में।
आपको पता है जिसके अंदर से थोड़ा सा वो ऊन सी निकली हुई होती है, ये उन्हीं को बोलते हैं कि वैसा फर का कोट इसके ऊपर ऑटोमेटिकली गॉड गिफ्टेड है, इसकी भगवान ने इसको ऐसे ही बनाया है। और जो इसकी फैट जो स्किन है ना, मोटी सी स्किन है, वो इसको क्या करती है, वार्म रखती है, गर्म रखती है। अब आ जाते हैं हमारे अपना थर्ड जो इसमें है, तो ये तो आपने पढ़ा लैंड पे रहने वाले एनिमल्स, अब बात करते हैं हम ओशन में रहने वाले। अब ये क्या बता रहे हैं कि दीज स्नेक्स लाइक फिशेज आर फाउंड इन सीज ओशन लेक्स एंड रिवर्स, दीज फिशेज आर कॉल्ड ईल्स, दे कैन स्विम फॉरवर्ड एंड एज वेल एज बैकवर्ड इन वाटर। अब ये बताया जो सबसे पहले ये वाला दिखाई, इसका नाम क्या बताया इन्होंने, ईल बताया है। और एक बिल्कुल स्नेक लाइक, स्नेक के जैसी ही है ये, दिखने में स्नेक जैसी है बट है क्या, फिश है। तो ये बता रहा है कि ये क्या कर सकती है, इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या बताई है कि ये वाटर में जो स्विम करती है ना, तो ये आगे फॉरवर्ड जितना चल सकती है, बैकवर्ड भी, पीछे भी उतना ही स्विम कर सकती है, आगे और पीछे दोनों साइड में वो कर सकती है, स्विम कर सकती है। अब आता है नेक्स्ट वाला, दिस फिश इज ऑल ऑल्सो कॉल्ड मड स्काइपर फिश, इस फिश का नाम क्या है, मड स्काइपर, जो मिट्टी में चलने वाले, मिट्टी में काफ़ी दूर तक स्काइपर होते हैं ना, जो काफ़ी दूर से निशाना लगाते हैं, ये उसी की बात कर रहे हैं। तो मड स्काइपर फिश है, और ये क्या कर सकती है, इट कैन क्लाइंब अ ट्री विद द हेल्प ऑफ इट्स लेग लाइक फिन्स एंड अ सॉर्ट ऑफ सक्शन कप ऑन इट्स बेली, और इसकी जो बेली होती है ना, पेट में इसके एक क्या होता है, कप होता है, जो सक्शन होता है मतलब खींचता है अपनी तरफ किसी चीज़ को, उसको खींच लेता है, तो ये सक करता है अपनी तरफ, उसको सक्शन कर सकता है, तो वो इसके बेली में होता है। और ये इसकी जो लेग्स है, इसकी जो फिन है ना, लेग नहीं होती है फिश की, फिन होते हैं, और ये उस फिन की इसकी कैसे बिल्कुल लेग के जैसे, जिसकी वजह से ये क्या कर सकती है, ट्री पे भी चढ़ सकती है, पेड़ पे चढ़ सकती है।